संस्कृति का बचाव हो सके। हम सनातन धर्मी हैं, इस बात की प्रेरणा आज के जो युवा पीढ़ी हैं उनको देनी चाहिए कायदे में, हमारे परिवारों को उसको कैसे दिया जाए ये आप किस तरीके से उनको संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे दें, क्योंकि अगर संस्कार नहीं होंगे तो हमारे जो बच्चे आगे भावी पीढ़ी वो नहीं जान पाएगी कि राम कौन है या कृष्ण कौन थे या सरस्वती कौन। जी जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए आज हम जब भी छोटे से बच्चे को अगर लेकर चलते हैं तो चाहते हैं कि अंग्रेजी स्कूल में जाए, कोई बात नहीं क्योंकि जमाने के साथ हमें चलना है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भी उसे सिखाएं, ये हमारी आवश्यकता बनती है। बचपन में जैसे माँ सिखाती है कि भाई अपनी भाषा क्या होती है, उसी प्रकार से ये हमारी भाषा नहीं बल्कि संस्कृति भी सिखाना जरूरी है। जब हम अपनी भाषा को प्रेरित करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं कि भाई हमारी भाषा ये है जरूर सीखो, तो उसी प्रकार हमारी संस्कृति क्या है वो बताना हमारा काम है। हमारे राम कौन है, कृष्ण कौन है, शंकर कौन है, ये भी हमें बताना पड़ेगा, और हमारी माँ सरस्वती क्या है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति का अगर बचाव करना चाहते हैं तो संस्कृति की ज्ञान बच्चों को देना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ माँ सरस्वती की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो ड्राइंग का जो है कंपटीशन रखा है, इसका क्या उद्देश्य? देखिए क्योंकि कला की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, और कला प्रदर्शित करके छोटे से समय में, तो कला प्रदर्शित करने का यही जरिया हमें महसूस हुआ कि बच्चे अपने कला को दिखा सकते हैं, तो इसलिए ड्राइंग कंपटीशन ही, एक छोटा सा बच्चा भी कुछ न कुछ बना लेता है, इसलिए हम लोगों ने इसको आयोजित किया है। जी जी।